हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। आपको स्वागत है क्रिकेट विद शत्रुघ्न चौबे चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं हांगकांग वुमेन वर्सेस मलेशिया वुमेन के बीच में होने वाला 6th T20 मैच के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये मैच यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दुबई में खेला जाएंगे और यहाँ पर देखा जाए तो ये मैच भारत के टाइम के अनुसार 11 बजे होने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये मैच स्टार्ट होने में अभी भी लगभग 3 घंटा अभी भी समय बचा है फ्रेंड्स यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं विकेट कीपर्स हैं, बैट्समैन हैं, ऑलराउंडर हैं और यहाँ पर बॉलर्स हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो कुल मिला के यहाँ पर आपको 40 प्लस प्लेयर्स मिलेंगे। इसमें हम लोग टॉप 11 प्लेयर्स को पिक करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये कोई मुश्किल का काम नहीं होने वाला है, बहुत आसान होगा। फ्रेंड्स, आपको कुछ नहीं करना, मुझे फॉलो करना, मुझे फॉलो ही करते आपको यहाँ पर टॉप 11 प्लेयर्स मिल जाएंगे। ये टॉप 11 प्लेयर्स को लेकर आप किसी भी लीग, स्मॉल लीग हो, ग्रैंड लीग हो, हेड टू हेड हो, मिनी ग्रैंड लीग हो, जो भी लीग आप खेलना चाहोगे फ्रेंड्स, आप आसान से जीत जाओगे। तो फ्रेंड्स, अगर लीग की बात करें तो फ्रेंड्स, ये लीग का नाम है ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप एशिया रीजन क्वालिफायर है फ्रेंड्स यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक और काम करना है फ्रेंड्स, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो टेलीग्राम का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर लिंक ओपन नहीं होता तो टेलीग्राम पे जाके इस तरह सर्च करना क्रिकेट विद शत्रुघ्न चौबे, सर्च करते ही मेरा चैनल शो जाएगा फ्रेंड्स, आप वहाँ पर जाके ज्वाइन कर सकते हो। नियरली 1400 सब्सक्राइबर्स हैं फ्रेंड्स, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए इसको, बहुत जल्दी यहाँ पर 1500 पे आपको बदलना 1.5K सब्सक्राइबर्स पे देगा आप। ये अगर आपका प्यार होगा तो फ्रेंड्स जल्दी से जल्दी 1500 सब्सक्राइबर्स हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जल्दी से विकेट कीपर को पिक कर लेते हैं, कौन सा विकेट कीपर को लेना चाहिए आपको यहाँ पर स्टार्ट देख के पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो ह्यू यिंग चांग की बात करें, हांगकांग वुमेन्स के लिए खेलती है फ्रेंड्स यहाँ पर। 1 रन नॉट प्ले, 0-0, 10-38 और 0 रन है। उसके बाद यहाँ पर हेली लुई की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर 1 रन 0-2 है। और वैन जोलिया की बात करें तो मलेशिया वुमेन के लिए खेलती है फ्रेंड्स यहाँ पर, 26-1, 19-7 और 30 रन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इन दोनों को आप कैंसिल करके आप यहाँ पर वैन जोलिया को कन्फर्म कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो वैन जोलिया को हम लोग यहाँ पर पिक कर लिए। अब आ गए फ्रेंड्स यहाँ पर बैट्समैन की, तो किस बैट्समैन को लेना आपको यहाँ पर डाउट आ सकता है। तो बैट्समैन की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पर पहला प्लेयर है यास्मिन दासवानी। अगर इनकी बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर 10 रन 2-3-2-1, 20 और 31 रन बनाइए। उसके बाद सैनजिन शहजादे की बात करें तो फ्रेंड्स 2-7-32-48-47-40 और 2 रन बनाइए फ्रेंड्स यहाँ पर। उसके बाद नठासा माइल्स की बात करें तो 37 रन और 16 रन है। धनुश्री मोहनन की बात करें 0+3 विकेट 3-39-3 और कोई विकेट नहीं है फ्रेंड्स यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर जमा दियान निंदान की बात करें तो मलेशिया वुमेन के लिए खेलती है, 10 रन कोई विकेट नहीं 1 विकेट 0 विकेट 8 रन 2 विकेट और 2 रन कोई विकेट नहीं है। उसके बाद यहाँ पर माहिरा जिद्दत इस्माइल की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर मलेशिया वुमेन के लिए खेलती है, 2 विकेट 2 विकेट 5-14-11-1 और 21 रन बनाए। उसके बाद युशरीना याकूब की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर 3 मैच नहीं खेले, 33-0-18 और 2 रन बनाए। उसके बाद एल्सा हंटर की बात करें 0-25-20-12-40 रन और कोई विकेट नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप कुछ 8 में से आप लोग यहाँ पर कुछ प्लेयर को यहाँ पर जरूर पिक कर सकते हैं। तो पहला प्लेयर है फ्रेंड्स यहाँ पर सैनजिन शहजादे को ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं इनकी एवरेज स्कोर अच्छी है फ्रेंड्स यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो आपको माहिरा इज्जत इस्माइल भी आपको बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। युशरीना याकूब तीनों में लास्ट 3 मैचेस से नहीं खेल रहे, तो एल्सा हंटर आपको बेस्ट ऑप्शन हो सकता है फ्रेंड। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो इस टीम से आप यहाँ पर नठासा मेल्स को यहाँ पर कंफर्म कर सकते हो और यहाँ पर धनुश्री मोहनन है फ्रेंड्स यहाँ पर। तो जल्दी से यहाँ पर आपको पता चल जाएगा नठासा मेल्स को ले रहा हूँ फ्रेंड्स यहाँ पर, ई हंटर को भी यहाँ पर मैं पिक कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो शहजादे है फ्रेंड्स यहाँ पर, इस्माइल है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस्माइल को यहाँ पर आप फिक्स कीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पर मेरे 3 प्लेयर बन गया और यहाँ पर शहजादे को यहाँ पर स्टार्ट्स अच्छे लगे थे फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको दिखा सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस प्लेयर को भी मैं कंफर्म कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं 4 बैट्समैन को ले लिया यहाँ पर। अब आगे फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑलराउंडर्स की जो बात करें तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बेस्ट ऑलराउंडर मैं देने वाला हूँ। यहाँ पर हम लोग 2 से 3 ऑलराउंडर को पिक करने वाले। तो पहला ऑलराउंडर है फ्रेंड्स यहाँ पर बैटी शैन। अगर इनकी बात करें तो 5 रन 1 विकेट 1 विकेट 0+2 विकेट 6+0 विकेट 1+1 विकेट और 2 विकेट्स है। तो फ्रेंड्स, इस मैच के अलावा इनको हर मैच में विकेट्स मिला, 1 और 2 जो भी विकेट्स मिले तो फ्रेंड्स अच्छे मिले। और यहाँ पर मारिको हिल की बात करें तो हांगकांग वुमेन के लिए खेलती है, 24 रन कोई विकेट नहीं 42 रन कोई विकेट नहीं 56 रन कोई विकेट नहीं 29 रन कोई विकेट नहीं 7 रन 45 8 रन कोई विकेट नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखा जाए तो इनको हर मैच में कोई भी मैच में यहाँ पर विकेट नहीं मिला, लेकिन एक अच्छे स्कोर बनाए फ्रेंड्स, 42, 56, 29, 43 और 24 रन बनाए। तो यहाँ पर मारिको हिल को आप बैट्समैन समझ के ले लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर रुचिता वेंकटेश की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर 4+2 विकेट 0 विकेट 2+1 विकेट 10+1 विकेट 6+ कोई विकेट नहीं 4 रन 1 विकेट और 25 रन कोई विकेट नहीं। इस प्लेयर को आप ले सकते हो, अच्छे प्लेयर है फ्रेंड्स, लेकिन इस प्लेयर को इस बार मैं अवॉइड कर रहा हूँ।
उसके बाद यहाँ पर टैमी चू की बात करते हैं, 16 रन कोई विकेट नहीं, 1 रन 4 विकेट, 1 0 विकेट और नॉट प्ले। और आयना हसीम की बात करते हैं फ्रेंड, 0+0 विकेट, 0 विकेट, 6+1 विकेट, 5+0 विकेट, 33+3 विकेट, 25+1 विकेट और 2 विकेट है। आप चाहे तो इस प्लेयर को ले लीजिएगा फ्रेंड। उसके बाद यहाँ पर मास एलसिया की बात करते फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 विकेट, 9 रन कोई विकेट नहीं, 63 रन कोई विकेट नहीं, 2 रन 1 विकेट, 1 रन कोई विकेट नहीं, 23 रन और 1 विकेट और 19 रन 2 विकेट ही है। और यहाँ पर विन फ्रेड दुरा सिंगम की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर 44, 12+1 विकेट, 61 रन 1 विकेट, 3+1 विकेट नहीं, 21 रन 1 विकेट, 38 रन 1 विकेट, 16 रन 1 विकेट नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर विनफ्रेड को मैं कंफर्म कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो फ्रेंड्स मारिको हिल और रुचे बेटी चैन को मैं कंफर्म कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स जल्दी से विकेट दुरा सिंगम को यहाँ पर ले लिया फ्रेंड्स, मारिको हिल को भी मैंने यहाँ पर ले लिया। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो फ्रेंड्स आप एक और प्लेयर की बात करें तो वो है बेटी चैन। बेटी चैन की बात करें तो फ्रेंड्स अगर आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे तो आपको यहाँ पर गेंदबाजी में मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बेटी चैन की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर तो बेटी चैन के नाम ही नहीं नज़र नहीं आ रहे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बेटी चैन यहाँ पर है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पर 3 ऑलराउंडर को हम लोग ले लिए हैं। अब आगे फ्रेंड्स यहाँ पर गेंदबाजों की, तो फ्रेंड्स यहाँ पर गेंदबाजी में हम लोग यहाँ पर 3 बॉलर तो मस्ट एंड शुड हम लोग को यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको बेस्ट बॉलर कौन है वो भी मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर पहला बॉलर है फ्रेंड्स यहाँ पर इकरा सहर। अगर इनकी बात करते हैं लास्ट मैच में 1 विकेट ली, 0 विकेट 15+1 विकेट, 4 विकेट है 4 रन और 0 विकेट है। तो फ्रेंड्स यहाँ इस प्लेयर से उम्मीद रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हांगकॉन्ग वुमेन की मेन प्लेयर है, मेन बॉलर है। उसके बाद कैरी चैन की बात करते हैं फ्रेंड्स, 24 रन 3 विकेट, 17 रन 1 विकेट, 22 रन 4 विकेट, 12 रन 1 विकेट, 30 रन 3 विकेट, 19 रन 2 विकेट, यहाँ पर 4 रन कोई विकेट नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो इस मैच के अलावा इनको हर मैच में एक अच्छे विकेट्स मिले। तो यहाँ पर कैरी चैन को आप कंफर्म कीजिएगा। और मरियम बीवी की बात करते फ्रेंड, 0+0 विकेट 0 विकेट, 11 रन कोई 1 विकेट लें, 0+0 विकेट है, 18 रन 1 विकेट, 6 रन 1 विकेट, 8 रन कोई विकेट है। तो फ्रेंड्स इस प्लेयर को मैं अवॉइड कर रहा हूँ। उसके बाद मैं वाई सी यू की बात करते हैं, हांगकॉन्ग वुमेन के लिए खेल दिया, 16 रन 1 विकेट 11 रन कोई विकेट नहीं, 1 विकेट 11 रन कोई विकेट नहीं, 3 रन और 1 विकेट ली। उसके बाद MLI की बात करते फ्रेंड्स यहाँ पर 1, 14, 19, 3+ कोई विकेट नहीं, 6 और 6 रन बनाए। आयशा एलिसा की बात करते फ्रेंड्स, मलेशिया वुमेन के लिए खेलते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो लास्ट 4 मैच में 1 भी विकेट नहीं मिले, फिर 0+1 विकेट। तो इस प्लेयर को अवॉइड कीजिएगा। और निक और एटिला की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर 0 विकेट 2 विकेट, 0+0 विकेट 0 विकेट 1 विकेट, लास्ट 5 मैचेस में इनको पूरे यहाँ पर 3 विकेट मिले। और नूर हयाटी जकारिया की बात करें, नॉट प्ले, 0 विकेट 19 रन कोई विकेट नहीं, 1 रन 1 विकेट, 0 विकेट, 4+1 विकेट, 1 रन 2 विकेट है। उसके बाद यहाँ पर ईसा रोहित की बात करते, 0+1 विकेट 29 रन कोई विकेट नहीं, और यहाँ पर 5 रन 1 विकेट है, 13, 21 रन और 1 विकेट है। तो फ्रेंड्स आप ईसा रोहित को ले सकते हो। उसके बाद एक और प्लेयर है फ्रेंड्स यहाँ पर, नूर अरीना नटाशिया की बात करते फ्रेंड्स, यहाँ पर 1 विकेट 1 विकेट 2 रन कोई विकेट है, 3 विकेट 0 विकेट, 4+0 विकेट, 1 विकेट है। और वेंजर जुलाकिया की बात करते 43+ कोई विकेट नहीं, 0 विकेट 2 विकेट 2+1 विकेट, 0 विकेट 0 विकेट और 2 विकेट है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग टॉप 11 में यहाँ पर हम लोग 3 बॉलर्स को यहाँ पर पिक करना पड़ेगा। तो पहला बॉलर है फ्रेंड्स यहाँ पर कैरी चैन को आप यहाँ पर कंफर्म कीजिए क्योंकि ये मेन इंपॉर्टेंट बॉलर है फ्रेंड्स यहाँ पर। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर आप नूर हयाटी को आप चाहे तो ले सकते हो फ्रेंड्स। उसके बाद ईसा रोहित को यहाँ पर कंफर्म कीजिए। उसके बाद यहाँ पर नूर एरिना नटाशिया को आप यहाँ पर ले सकते हो। तो फ्रेंड्स जल्दी से बॉलर्स को भी नूर एरिना नटाशिया को ले लें, के चैन को लिए फ्रेंड्स यहाँ पर। उसके बाद देखा जाए तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप आई सहार है फ्रेंड्स, आप इनको अवॉइड कर सकते हैं। एक्चुअल यहाँ पर बॉलर्स की स्टैट्स मुझे अच्छा नहीं लग रहा फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पर एक बॉलर को हम लोग को यहाँ पर लेना पड़ेगा, जकारिया है फ्रेंड्स यहाँ पर, बीबी है, मरियम बीबी। तो यहाँ पर देखा जाए तो आप वैंडो जुलाकिया को ले लीजिएगा फ्रेंड्स, आप जुलाइका को, वैंडो जुलाइका। तो फ्रेंड्स इनको आप देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर, वैंडो जुलाइका की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर नहीं है। उसके बाद यहाँ पर एलिशा फ्रेंड्स, एलिशा को यहाँ पर पिक कर लीजिए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि टीम मेरा बन गया। तो यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर मारिको हिल आपको बेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पर बैटी चैन आपको वाइस कैप्टन के लिए बेस्ट ऑप्शन है, दुराई सिंगम का आप ले सकते हो फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको के चैन आपको बेस्ट ऑप्शन है वाइस कैप्टन के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं कैरी चैन को यहाँ पर मैं वाइस कैप्टन बना रहा हूँ। तो फ्रेंड्स अगर टीम प्रीव्यू की बात करते हैं, यहाँ पर वैन जोली आपको यहाँ पर विकेट कीपर्स में नजर आने वाले फ्रेंड्स। यहाँ पर एन माइल्स, इस्माइल, ईसा हंटर और यहाँ पर शहजादे हैं यहाँ पर बैट्समैन पे। और यहाँ पर ऑलराउंडर में मारिको हिल, बैटी चैन, दुरा सिंगम है फ्रेंड्स यहाँ पर, विनफ्रेड दुरा सिंगम। उसके बाद यहाँ पर बॉलर्स में नटिया, कैरी चैन और यहाँ पर एलिशा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कैप्टन और वाइस कैप्टन मारिको हिल और यहाँ पर कैरी चैन
को मैंने यहाँ पर बनाया फाइनल। तो फ्रेंड्स ये कोई मेरा फाइनल टीम नहीं है, इसमें कोई भी प्लेयर रहेगा अगर मिस होते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसके लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को विजिट करना पड़ेगा अपने लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। अगर लिंक ओपन नहीं होता तो टेलीग्राम पर जाकर इस तरह सर्च करना, फिर से मैं बता रहा हूँ इस तरह सर्च करते हैं क्रिकेट विद शत्रुघ्न चौबे, सर्च करते ही आपको यहाँ पर मेरे चैनल हो जाएगा, जल्दी से चैनल को ज्वाइन कर लेना फ्रेंड्स, क्योंकि फाइनल टीम फाइनल अपडेट में टेलीग्राम पर ही दे पाऊंगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर और कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ ये ICC वुमेंस T20 एशिया T20 वर्ल्ड कप एशिया रीजन क्वालिफायर 2 है, सीजन 1 खत्म हुआ फ्रेंड्स, सीजन 2 है और ये मैच भारत के टाइम के अनुसार 11 बजे होने वाला है। ICC एकेडमी ग्राउंड नंबर 2 दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में खेला जाएंगे। अगर यहाँ पर पॉइंट टेबल की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर मलेशिया वुमेंस देख सकते हैं 2 में 1 जीते 1 हार के थर्ड पोजीशन पे, हांगकांग वुमेन यहाँ पर 2 में 1 जीते 1 हार के फोर्थ पोजीशन पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर थर्ड वर्सेस फोर्थ के बीच में मैच होने वाला है। तो फ्रेंड्स यही है पूरी इन्फॉर्मेशन, आई होप आपको मैंने सारे इन्फॉर्मेशन अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करके जरूर जाना फ्रेंड्स, थैंक यू।